वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी रहनुमाओं की और उनके सियासी हमदर्दों की, उनके सियासी वोटर्स की, कि जब कभी भी बात आती है, आँच आती है मुल्क की, हुब्बुल वतनी पर आँच आती है मुल्क के हवाले से, कोई भी अगर हर्जा सराई होती है, कोई सियासी लीडर अगर कोई हर्जा सराई करता है, तो उस वक्त ये सियासी जो कारकुनान हैं इनकी वतन से मोहब्बत और वाबस्तगी आखिर कहाँ चली जाती है, आखिर कहाँ चली जाती है। जिस वक्त बात आती है ख़त्म नबूवत पर, और जब ख़त्म नबूवत पर बात आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म रसालत पर बात आए, और ये बात हो या कोई भी इकदाम किया जाए इन सियासी हुक्मरानों की जानिब से, सियासी पार्टियों की जानिब से, अगर ये कोई भी चीज़ जाए, तो उस वक्त ये सियासी जो वोटर्स हैं इनकी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है आखिर वो कहाँ चली जाती है। उस वक्त उस शख्सी जो एक साया है उसके पीछे ये क्यों भागते हैं, ये उसके पीछे क्यों क्यों भागते हैं। जिस तरीके से अभी हमारे सामने मैंने एक छोटी सी अभी बात की, और फिर जब हम बात करते हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो ये बात दुनिया जानती है और पाकिस्तान के अवाम भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में जब ख़त्म नबूवत के पर आँच आई तो क्या ख़त्म नबूवत का मामला सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ने वालों का मामला था? क्या ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन रखने वाले सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं? क्या ख़त्म नबूवत मोहब्बत करने वाले या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या ताजदार ख़त्म नबूवत से मोहब्बत का दावा करने वाले सिर्फ और सिर्फ दुरूद व सलाम वाले हैं कि जो वो निकल कर रोडों पर आए और सड़कों पर आए? अगर ये नहीं आते तो तारीख इस बात की शाहिद है कि ये भी अगर नहीं आती तो शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जो भी साजिश की गई, घिनौनी साजिश की गई, ना तो ये कभी बेनकाब होते और ना ही कभी जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ता। ये लोग रोड पर आए, अब आर्मी ने इंटरवेंशन की, आर्मी ने सालिसी का किरदार अदा किया, यहाँ तक कि जब आर्मी ने सालिसी का किरदार अदा किया तो उसको भी हमारी अदलिया की जानिब से और कुछ सियासी हलकों की जानिब से, वो सियासी हलके कि जो वाबस्तगी रखते हैं मुस्लिम नून के साथ या हुकूमती नुमाइंदों के साथ उनकी वाबस्तगी है, उन्होंने फौज को भी हर्जा सराई करने से नहीं छोड़ा। और नादिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की भी चीज़ चलाई गई कि जब कुछ पैसे तकसीम हो रहे थे तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा गया कि फौज ने पैसे देकर धरना करवाया ताकि हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आज आर्मी चीफ साहब ने यकीनन इस बात की भी तर्दीद कर दी कि आर्मी की तरफ से किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया गया, अगर जो कुछ भी है तो वो हुकूमत की तरफ से है। यहाँ पर ये बात आ जाती है। अब मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे सियासी वोटर्स हैं, जो हमारे सियासी हमदर्द हैं, आखिर के उनकी जो हुब्बुल वतनी है, वतन से मोहब्बत का जज्बा, वो कब उजागर होगा? अगर कोई उनका सियासी लीडर, कोई सियासी रहनुमा वतन के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान की हुर्रियत के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान की सालिमियत के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान की सालिमियत के इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, और वो इदारे जो कि पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ बात करता है, तो ये फिर क्यों अपनी सियासी हमदर्दियाँ उस पार्टी के साथ बरकरार रखते हैं? दरहकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी अंदाज में जिस वक्त नामोस रसालत के ऊपर कोई बात आए और ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई बात आए, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि आया कि वो पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने के बाद फिर अगर उनकी कोई सियासी वाबस्तगी है तो वो किसी भी तंजीम के साथ हो सकती है। वो तंजीम सियासी वाबस्तगी उनकी ज़बान की बुनियाद पर भी हो सकती है, उनके नज़रियात की बुनियाद पर भी हो सकती है, यहाँ तक कि उनके अपने मसाइल के हल के हवाले से भी हो सकती है, और ये वाबस्तगी उनकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी हो सकती है। मेरी भी अपनी यकीनन वाबस्तगी होगी, नाज़रीन आपकी भी वाबस्तगी किसी न किसी सियासी जमात के साथ होनी चाहिए और बिल्कुल यकीनी होगी। इसलिए होगी कि वोट डालना हर ज़ीशऊर शहरी का फ़र्ज़ है, वोट डालना हर शहरी का फ़र्ज़ है, और ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने वोट का वो सही इस्तेमाल करे। इस वोट की मिसाल तो बिल्कुल इस तरह की है कि जिस तरह से बारिश हो रही हो और बारिश के बेतहाशा कतरे अगर कोई नाली में गिरता है तो नाली का हिस्सा बन जाता है, कोई दरिया में गिरता है दरिया का हिस्सा बन जाता है, समंदर में गिरता है समंदर का हिस्सा बन जाता है, खुश्की पर गिरता है तो खुश्की को वो पानी जज्ब हो जाता है और वो सैराब कर जाता है। लेकिन यही पानी का कतरा, यही एक पानी का कतरा समंदर में या दरिया में मौजूद अगर कोई सीप है और उस सीप के मुंह में जाता है, जो कि सीप अपना मुंह खोले आसमान की तरफ देख रही होती है, तो ये पानी का कतरा जब उस सीप के मुंह के अंदर जाता है तो यही अनमोल मोती बन जाता है, जिसको सच्चा मोती कहा जाता है। लेकिन यही एक पानी का कतरा
अगर जहरीले सांप के मुंह में चला जाता है तो वो ऐसा जहर बन जाता है कि जिसका तरियाक नहीं होता। तो यकीनन हमें भी अपना वोट इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल करना होगा कि यह हमारा वोट एक सच्चा मोती तो साबित हो, बारिश का वो कतरा साबित हो कि जो सच्चा मोती बन जाए, वो कतरा साबित नहीं हो कि जो जहर बन जाए और जहर का त्रियाक भी ना हो। तो नाज़रीन यहाँ पर बात करने का मकसद जो हमारा है वो यही है कि हमें जब अपना वोट इस्तेमाल करना हो तो अपनी सियासी वाबस्तगियों को अच्छी तरह से खंगाल लिया जाए कि कहीं हमारे सियासी रहनुमाओं में आस्तीन के सांप तो मौजूद नहीं है, कहीं हमारे सियासी रहनुमाओं में वतन से मोहब्बत करने वाले के खिलाफ हर्जा सराय करने वाले तो मौजूद नहीं है, या फिर कहीं हमारे सियासतदानों में, हमारे सियासी रहनुमाओं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत के खिलाफ हर्जा सराय करने वाले, बयान देने वाले या ख़त्म नबूवत को तब्दील करने वाले तो मौजूद नहीं है। इस बात का आपको ख्याल करना होगा, हम सबको ख्याल करना होगा, इसलिए कि हमारे वोट का हक है, हमें अपने इस वोट का हिसाब देना है, उब्बुल वतनी के हिसाब से भी देना है इसका हिसाब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जिसका जिस वक्त दावा हो और जब उसकी बात हो तो हमें इसका हिसाब उस वक्त भी देना होगा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सियासतदानों की बेहिसी कि मैं ना मानूं कि रट लगा रखी होती है बाज़ मामलात में, ना तो जज्बा हुब्बुल वतनी और ना ही नामूस रसालत की पासदारी, सियासी शख्सियात की तरफदारी की जा रही होती है, और बाज़ सियासतदान वफादारियों में तो बराह रास्त मुल्क से गद्दारी के ज़ुमरे में भी आ जाता है और दीन से बगावत करते भी नज़र आते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो कि हमने बात शुरू की थी, और यकीनन ये बात उसी के तस्करे से चलती चली आई कि आर्मी चीफ की जो भी आज ब्रीफिंग हुई और जो वतन के हवाले से जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, उस ब्रीफिंग के अंदर इस लफ्ज़ को ख़ास तौर के ऊपर सवाल उनसे ये किया गया और उस सवाल का उन्होंने जवाब जो ये दिया, उसी सवाल के ऊपर ये हम गुफ्तगू करते चले आए। नाज़रीन अल्लाह करे कि हमारे पास एक वक्त ऐसा आए कि हम अपनी सियासी जो वाबस्तगियाँ हैं, सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वह मतलब परस्ती से बिल्कुल अलग करके रखें, हम अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी को नंबर वन पे रखें, ना ये कि हम अपने मुल्क की लूट खसोट में हम शामिल हो जाएं, और ना ही ये कि हम मुल्क से बगावत करने वालों का साथ दें, और ना ही ये कि हम किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बने कि जो हमारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। नाज़रीन यहाँ पर हम एक बात करते चले थे और वो बात ये थी कि जो अदालतों की जानिब से जो फैसले आए थे, जो फैसले किए गए थे, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब को अहल करार दिया, इमरान खान को अहल करार दिया और जहांगीर तरीन साहब को ना अहल करार दिया गया। जहांगीर तरीन साहब का मामला ये भी आता है कि पाकिस्तान के चंद जो टैक्स हायर टैक्स पेयर हैं उनका शुमार उसमें आता है, और वो तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी रहे। अब ये बात आ जाती है कि उनका तो ये काम बहुत पहले से था, जिस वक्त ये तहरीक इंसाफ में आए हैं उससे पहले भी ये मामला तो उनके चल रहे थे। अब ये मामला जो था तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके पास आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उनको एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया हो और बजाय किसी और को ना अहल करने के, और किसी ना खुदा भी खुश रहे और राज़ी रहे सयाद भी, कि ऐसी बात भी कर दी जाए और ऐसा फ़ैसला भी कर लिया जाए कि जिस फैसले से एक मतवाज़न चीज़ आ जाए कि पहले नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया तो उनके भाई को अहल करार दे दिया गया, और इसी तरीके से इमरान खान साहब को अहल करार दे दिया गया और जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दे दिया गया, तो यहाँ पर यह बात बैलेंस कर दी गई कि इस तरफ से भी बैलेंस हो गई और वो उस तरफ से भी बैलेंस हो गई। अब दर हकीकत मामला जो क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौज़ों के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर फ़हीम दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।